सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 टेक में। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं SBI मुद्रा लोन के लास्ट डेट क्या है, साथ में अगर आपको SBI मुद्रा लोन नहीं मिला है तो आपको कैसे जल्दी से जल्दी मुद्रा लोन लेना है, एंड आपको कैसे कौन से आपको साइट से अप्लाई करना चाहिए जिसमें आपको एरर देखने को नहीं मिले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, अगर आप भी SBI मुद्रा लोन की वेबसाइट से जाके SBI मुद्रा लोन अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आपको काफी एरर देखने को मिलता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा लिंक देने वाला हूँ जिससे अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, इंस्टेंट आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। यानी कि आपको DSA मुद्रा लोन का एक लिंक दूंगा, एंड जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने दे दिया है। यहाँ पे आपको एक मुद्रा लोन का लिंक मिलेगा, एक माइक्रो लोन का लिंक मिलेगा। अगर आपको मुद्रा लोन नहीं मिलता है तो आप माइक्रो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड जो मुद्रा लोन है यहाँ पे आपको कुछ बैंक बता देते हो, अगर उन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पे आपको बिना किसी बैंक विजिट किए आपको लोन मिल जाएगा, 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SBI मुद्रा लोन की, इसके बाद में आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड PNB बैंक, कैनरा बैंक और इसके साथ में HDFC बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनमें मुद्रा लोन अवेलेबल है और मुद्रा लोन की जो स्कीम है इन्हीं बैंकों में अप्लाई हुई है और इन्हीं बैंकों में आपको मुद्रा लोन मिलेगा। अदरवाइज आपके जो भी बैंक है, कोटक जैसे एक्सिस हो गया, ICICI हुआ, अगर इनमें आपका अकाउंट है तो आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। एंड जो DSC का जो लिंक मैंने दिया है इसमें आप अपना जो है मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका अप्रूवल होता है तो आपको 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। एंड जो मुद्रा लोन की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है, एंड फरवरी मार्च के लिए और ये शायद अप्रैल मिड के बीच में आपको ये मुद्रा लोन है जो बंद हो जाएगा, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसमें आपको नए सिरे से SBI मुद्रा लोन स्टार्ट होगा एंड नए सिरे से लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी के लिए आपको लिए यही अपडेट है, अगर आपने अभी तक मुद्रा लोन नहीं लिया है तो आपको जो मैंने लिंक दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां जाके अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको 3 साल के लिए मुद्रा लोन मिलेगा, इसकी जो EMI होगी पर मंथ की 1500-1550 के समथिंग इसकी EMI होगी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एंड काफी इजी है ये भी, एंड इसमें आपको 1500 की ही EMI मिल रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको है 2 साल का टाइम पीरियड इसमें कम मिला है। इसमें आपको 36 महीने के लिए आपको ये लोन मिला है, मतलब 3 साल के लिए आपको ये लोन मिला है सिर्फ, और इसमें आप आसानी से लोन ले सकते हो, इसमें आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, एंड इसमें जो आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड उद्यम आधार कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, एंड उद्यम आधार कार्ड कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है मैंने वहां पे दे दिया, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड वहां पे आपको मैसेज करना है, जो भी आपके एरर या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन उसका वहां पे मिल जाएगा। तो आई होप कि गाइस, अगर आपने मुद्रा लोन नहीं लिया है तो जो मैंने लिंक दिए उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, एंड वहां पे आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही आपके लिए थोड़ा सा न्यूज था, आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।